इसको तो हम बचपन में लड़ू। रौनक को साथ लेके जा रही हूँ, चल निकल कुकू जी। उससे सरप्राइज बहुत, मैं पता ही नहीं उसको सरप्राइज है। हमने उसको ये बोला कि हम चाचू की, अल्लाह क्या बोल, हमने उसको ये बोला कि एक मिनट मैं भूल गई, 12 बज गए। So guys, फातिमा आ चुकी है, आ चुकी है, आ चुकी है। लाइट्स बंद करवा दें। आज हमारे घर की चलाक की बर्थडे है और रात को है, उसको इस बात में अंदाजा नहीं है कि व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू। और यहाँ पे भी कुछ प्लानिंग प्लानिंग चल रही है गाइस। प्लानिंग, तुम किधर जा रही हो कुकु जी? क्या तुम किधर जा रही हो? शॉपिंग करने जा रहे हैं। किसके लिए? मेरे लिए और फातिमा के लिए। किसके? हर जगह गिफ्ट लेने जा रही है। क्या तुम कहानियां कर रहे हो पापा? ओ माय गॉड, पापा को मैं कहूंगी पापा जी गाड़ी ये वाली नहीं लेके जानी, नहीं ये गाड़ी बाहर निकलवानी पड़ेगी। ये हो सकता है हमने फातिमा के लिए कुछ प्लान करें। तो फातिमा निकाल देगी भाई, वो निकाल देगी। तो फातिमा के लिए तो सरप्राइज है, वो कैसे निकाले? राजी कराने किसको सरप्राइज? फातिमा। आजकल फातिमा मेरा मेरी फेवरेट बहन बनी हुई है और अबू मेरे फेवरेट है, आप नहीं? ये भी मिठाई बांटने जा रही है, दो बर्फियां, दो लड्डू हैं। इसको तो हम बचपन में लड्डू को साथ लेके जा रही हूं। चल निकल कुकु जी। जी लड़की तैयार होके अपने कपड़े खुद इस्त्री कर रही है घर में अकेली। तुम किसकी निकाल के लाई हो पहले तुम मुझे बस ये बताओ, किसकी? अभी इस लड़की का जो है ना, वो हमने कोई बर्थडे शर्थडे नहीं सेलिब्रेट करना और बस ये खुद ही लगी हुई है अपने कपड़े शपड़े निकालने। तुम जा किधर रही हो खुद ही? हमने हमें तो तुमने इनवाइट भी नहीं किया, कितने तुम चलाक हो। मैं अपने लिए चीज लेने जा रही हूँ। अपने लिए शॉपिंग? अच्छा तैयार इस तरह होकर जा रही हो जैसे पता नहीं। एक भी काटूंगी ना इसकी। औ अपनी बर्थडे खुद सेलिब्रेट कर रही है ये लौकी। बताओ इसके नीचे क्या पहनूं? क्या तुम भी बता दो, हेल्प ही कर दो। इस वक्त सिर्फ हम तीन लोग घर पे हैं और बाकी की हजरात आपको मैंने दिखाया था निकल चुके हैं। हाँ ये अच्छी तो फटी हुई है। नीचे टाइट्स पहन लो। ओए अल्लाह फातिमा, तुम्हें मम्मा बताएंगी। अब ये देखो, ये देखें गाइस, इसने सारी अलमारी मेरी मम्मा ने इतनी ऑर्गेनाइज करके रखी हुई थी, ये इसने इस वक्त हशर कर दिया। इस लड़की की अब लगने वाली है थोड़ी देर में वार्ड, जब मेरी मम्मा आएंगी और ये घर पे वैसे खुद भी नहीं होगी, पता नहीं किधर निकलने लगी। तुम हमें इन्वाइट भी कर रही हो अपनी बर्थडे पे के नहीं? मेरी बर्थडे नहीं है अभी, रात को तो सामान लेने जा रही हूँ और एक पेस्ट्री काटनी है इसको। अच्छा मैंने, इसने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया, मैंने भी नहीं इसको गिफ्ट दी। चुचके यही जेल जा जाती है मेरे को। और ये भी गंदी है। इस वक्त फातिमा कचरे का घर बनी हुई है, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे आ रही है। उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि हम उसके साथ आज क्या करने वाले हैं, क्योंकि मैंने अभी एक जगह बात की है, मैंने कॉल किया उनको, बोला कि मैंने अभी ऊपर गई हुई है, उसको मेरी आवाज़ नहीं जा रही होगी और मैंने उनसे जगह बुक कराई है, सारा डेकोर डन किया है, चीज़ें डन की हैं। मैं यहाँ से निकलूंगी, मैं और हिरा, और फातिमा अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने के लिए जा रही है। तो वो वहाँ से उसको हम कहेंगे किसी बहाने के यार, मतलब देखते हैं, पता उसको लग जाएगा जितनी वो चलाक है, मेरे जैसी थोड़ी है। चलो जी ये जा रही है, निकल रही है ब्रुकलिन, ये क्या बन के आ गई है। जाओ अब तुम, पता नहीं इसने अभी शॉपिंग करने जाना है। इस लड़की ने इतनी अच्छी लिपस्टिक लग रही है, ये पागल किया हुआ इस लड़की ने सबको। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, इसने हरकतें क्या की हैं, मेरी माँ ने वाकई इसका कीमा कर देना, ये देखें। सो गाइस फातिमा मैडम जो है वो निकल चुकी थी और इस वक्त घर पे बची हैं मैं और हिरा। मैं तो करने लगी हूँ अपने कपड़े प्रेस, मेरे पास टाइम बहुत कम है क्योंकि इस वक्त 8 बज गए हैं। इसको भी पकड़ लिया, मैं जा रही हूँ ऊपर। फातिमा गई, ये लोग आ चुकी हैं वापस जो सुबह गई थी। क्या लेके आए उसके लिए, जैनब के लिए? मैंने अपने एयरिंग निकाल दिए क्योंकि मैं दुल्हन से ज्यादा तैयार लग रही थी। और अब मैं जाना है उस जगह पे जिस जगह पे हम लोगों ने फातिमा के लिए सरप्राइज प्लान किया है और जो जो डेकोरेशन वगैरह हम लोगों ने करवाई है, और मुझे उनकी कॉल आ रही है और मैं थोड़ा सा लेट हो रही हूँ। बर्थडे उसका परफ्यूम्स भी, तैयारियां तुम लोगों की चल रही है। चलो उसका बर्थडे गाइस, 12 बजने में कुछ ही टाइम रह गया, लेकिन मेरी बहनें नहीं निकल रही हैं, इनको निकालना बहुत मुश्किल है। इसको मैं मार के चेक करूं, मुझे लगता है इसकी बैटरियां मुकी हुई है। फिर फातिमा का बर्थडे है, बोल बोल हैप्पी बर्थडे, बोल तेरा हैप्पी बर्थडे। ठंड लग रही है बट जूते ये ये देखो जरा इसकी हरकतें देखो। ये ना जा रहे हैं हम लोग कहाँ पर, सुबह जा रहे थे पता नहीं कहाँ, मॉल जा रहे थे, ये स्लीपर पहन के आ रही। मैंने कहा ऐसे जाने, हाँ राबिया का सिर्फ जूतों पे ध्यान नहीं होता, बाकी हर जगह होता है। मानो के जूते फिट एंड फ्रेश लग रहे हैं, मेरे सबसे फ्रेश लग रहे हैं। और हीरा कहाँ है तैयार होके,
मुझे नहीं मालूम। फातिमा को क्या बोला? मैंने उसको ये बोला कि हम लोग ना बाहर घूमने जा रहे हैं, तो तुम उसके चाचू की तरफ भेजा हुआ था ना। अच्छा, तो घूमने जा रहे हैं वो तो दोस्तों से शॉपिंग करने गई है। वो हाथ में पता ही नहीं उसको सरप्राइज है। हमने उसको ये बोला कि हम चाचू की, अल्लाह क्या बोल, हमने उसको ये बोला कि याद आ गया, प्लीज याद आ गया। हाँ बोलो। मैंने उसने बोला है कि क्या बोला यार ऐसे कसम से मैं अपने तोबा। हाँ उसने क्या बोला मुझे भूल गया, अल्लाह मेरी याददाश्त चली गई। ओ माय गॉड, मुझे कसम से याद नहीं आ रहा, मैं कसम खाई कर मुझे याद नहीं आ रहा। तुमने उसको क्या बोला राबिया? पता लगे वो आई नहीं है। उसने कहा, हमने उसको कहा कि हम घूमने जा रहे हैं। वहाँ कैसे आएगी? तुम आई ड्यूटी लगाई थी उसको वहाँ पे लेकर। चाचू लेकर आ जाएंगे बाजी, जस्ट चिल। So guys, mummy is also in the car and चलो हीरो। So guys, अब हम लोग जाने लगे हैं फातिमा को सरप्राइज देने के लिए। वहाँ पे जो मैंने अरेंजमेंट करवाया वो देखिए आप लोग का दिल दंग रहने वाला, क्योंकि अपनी तरफ से तो मैंने खुद जाके भी पहली दफा देखूंगी। आप लोगों के साथ ही थी सुबह से, मैं अपने घर में इन लोगों को उठा रही थी, खुद तैयार हो रही थी। ओहो, सिर्फ 12 बजने में 2 मिनट रह गए हैं और हम लोग अभी तक रास्ते में, पता लगे सारा सरप्राइज चौपट हो गया और हम लोग यहाँ पे उसको कॉल करके विश कर रहे हैं। यार ऐसा कैसे यार, फातिमा का बर्थडे जो पूरे 12 बजे का मैंने प्लान किया हुआ था वो गाड़ी में ही कहीं हुआ है पूरा, यानी कि उसको कॉल पे हम लोगों ने विश किया है और अब हम लोग थोड़ी देर में जो है ना वो अपनी लोकेशन पे पहुंच रहे हैं और फातिमा भी मैडम रास्ते में है कहीं, पता नहीं कहाँ है और उसको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि उसके साथ आज होने के वाले। फाइनली हम लोग लोकेशन पे पहुंच गए हैं, अब उतरेंगे हम लोग गाड़ी से। कैसा लग रहा है, तुम्हारी बहन पैदा हो चुकी है? बहुत अच्छा। ओए होए 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 होए, यहाँ पे मैंने सेटअप लगवाया था और ये देखे कितने। वालेकुम अस्सलाम। डिंग 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 डिंग, ये कलरफुल बलून्स फातिमा को बड़े पसंद है और ये मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसी हो आप? ये हमने फातिमा के लिए अरेंज करवाया है, यहाँ पे है कोई फ्रंटल उसका। ओए लड़कियों, उसके गुब्बारे भी से ना मत फाड़ देना, इन लोगों को कहीं ले आओ सरप्राइज, उनको उससे पहले ही तुम लोग गुब्बारे फोड़ के बैठी होगी। यार इधर इतनी प्यारी लाइट आ रही है, इतनी प्यारी, मुझे भी अपना बर्थडे यहाँ करना चाहिए था। और फातिमा की जगह हुआ राबिया का बर्थडे। ये देखिए जी, बर्थडे गर्ल अभी आई नहीं और ये देखो तुम किस खुशी में। मेरी बर्थडे के बाप को नहीं पता मेरा बर्थडे आ रहा है। मम्मा आप भी बैठ जाएं। हाँ बर्थडे गर्ल अभी तक नहीं आई लेकिन मेरी बहनों को खाने की पड़ गई है। सो गाइस, फातिमा आ चुकी है, आ चुकी है, आ चुकी है। लाइट्स बंद करवा दें। हाँ बस लाइट्स बंद करवा दें और ये चीजें अलाइन करवा दें अभी फातिमा को। ओके सो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, हर जगह की हो चुकी है लाइट बिल्कुल बंद। होए होए होए, फातिमा अपना बर्थडे अकेले ही सेलिब्रेट कर दी है। बर्थडे टू यू। खुद खरीदा है सारा सामान, तुम लोगों ने क्या सरप्राइज देना है मुझे, मैं जरा ले ही लूँ। एक मिनट, तुम्हें क्या सरप्राइज देना है? हमने तो हम लोग तो यहाँ आए हुए थे तो हमने कहा था बैठ के चाय शाय पीते हैं। चलो अपने गुब्बारे तुम खुद लेके आइयो। चलो गर्ल्स, ये फातिमा का अपना सामान है, जल्दी जल्दी लेके जाओ उसका। अभी वहाँ पे देखे सब ऑफ है। हमने केक तो रखा ही नहीं गाइस, हम केक ही भूल गई थी। मिस प्लान हमने किया। यस आई प्लान्ड दिस फॉर हर बिकॉज़ आई नो दैट यू टू पब्लिक कलर्स बहुत पसंद है। एक बार बता दो ये डिजाइन किसने सेलेक्ट किया? दोनों ने, लेकिन मैंने बहुत बहुत दोनों ये क्रेडिट लेने के लिए आ जाती है। तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम्हारी लेट पार्टी बहुत अच्छी लग रही है। ओह नाइस, कर है हमें केक जो है वो मिल गया था। अभी यहाँ पे थोड़ी देर में हम लोग केक शेक काटेंगे। चलो ये वो वाहिद है जिसको सरप्राइज मिला और ये तुम्हें पता था ना हम तुम्हें सरप्राइज देने वाले हैं फातिमा? नहीं नहीं, तुम्हें नहीं पता था सरप्राइज है, लेकिन मुझे ये नहीं पता तुम लोगों के घर में डेकोर करोगे। चलो जी ये अब यहाँ पे इनका फोटो शूट ही नहीं खत्म हो रहा है गाइस, मुझे लगी है बहुत तेज गाइस होने लगी हम लोगों की फैमिली फोटो। केक तो कुछ भी नहीं है यार, खाना भूल जाओ, सिर्फ फोटो। फातिमा यार बर्थडे तुम्हारी हो रही है, तालियां दूर दूर से बज रही हैं, स्टार्ट होने वाला। जो लेट
कट आ रहा है उसके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं। अच्छा हाँ, अब ये जो केक है ये कटने लगा है। फातिमा आ जाओ। फातिमा का है बर्थडे बैश। कसम से इतना टाइम मैंने नहीं लिया था अपनी फोटो में, मुझे अफसोस हो रहा मैं क्या करूँ। 2-1 एक्शन। मेक अ विश। हैप्पी बर्थडे फातिमा। और हमें निकाल दिया फ्रेम से बाहर। अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये देखें इनकी विशेष ऐसे होती हैं। देखें सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर। केक तो खा ले यार। सही केक, कैमरा के बगैर किसी ने केक नहीं खाना। हाँ मैं तो कैमरा के साथ ही खाऊंगा। ये चोर हर जगह, हर जगह ये चोर। लेकिन कसम से यार जो मर्जी है, केक का टेस्ट कमाल का है। असल चीज आ गई है गाइस, ये इतना बड़ा जो है ना वो, ये तवा है जिसके अंदर तुम्हें बिठा के फ्राई करना है। तकरीबन तुम भुनी जाओगी इसके अंदर। देखें गाइस इसके अंदर कितनी डिशेज है। डिंग 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 डिंग। अच्छा ये अफगानी नान है। मेरे बर्थडे पे जब अरीब ने सरप्राइज दिया था उस वक्त भी इसी तरह की ना वो गोल सी वो थी, वो बड़ी मजे की थी। ये टकट, ये चिकन वाला टकट, लेग पीस वाला टकटक मेरे हाथ है। और ये दोनों सॉसेज मैंने संभाली है। तो गाइस मैं अपनी सारी यहाँ से चीजें क्लियर करके आई हूँ और मेरी बहनें फरार हो गई हैं। खाना शाना हम लोगों ने खा लिया था, बड़ा मजा आया। इतनी ठंड में ये लड़की बेचारी अकड़ गई है बर्थडे करके। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा बर्थडे नहीं, मेरा शूट है। आई अल्लाह। तो गाइस देखना कल भी इसी का शूट होगा जिसके लिए मैं डमीज बना के लेकर जाएगी अपनी। ना शुक्री लड़की, जितना मर्जी सरप्राइज दे दो। मैंने कब मैंने ना शुक्री किया? तुम अच्छी बहन। कब ना शुक्री किया? तुम्हारे से लग रहा है तुम बहुत खुश हो। या आई एम हैप्पी। अब तुम अपनी दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच मुझे बर्थडे सरप्राइज देने के लिए। तुम सरप्राइज हुई हो असली में? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा रैंडम बर्थडे गुजरेगा बट तुमने दिया, इट्स गुड फॉर मी। और गुब्बारों का कलर कैसा लगा? बहुत अच्छा, मुझे अच्छे लगते हैं कलरफुल चीजें, अच्छी लगती हैं, रंगीन लोग अच्छे लगते हैं। मैं रंगीन? तुम रंगबाज हो। Hey guys, finally, हम लोग घर पहुंच गए हैं। बंद करने की जिम्मेदारी मेरी और मेरे हाथ में ये लगा जी बर्थडे गर्ल के। सुबह इसने ये सारा सामान गाड़ी में रख के। उफ अल्लाह, बहुत नींद आ रही है इस वक्त। और फातिमा का बर्थडे जो है ना वो बहुत 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 अच्छा हो गया है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग भी बहुत पसंद आएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते कर जाएं, क्योंकि मैं लगी हूँ अब सोने, मुझे आ रही है नींद। आज मैं बुक्स चुक्स नहीं पढ़ने वाली, आज मैं बस अपने बालों में मतलब ये पोनी खोलने वाली हूँ क्योंकि बहुत सर दुखाती है। और इसके बाद मैं जाऊँगी सो सुकून से। ओके जी, तो मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।